एक पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें वो मैंने दिखाया था कि अपने एक इंडियन को यहाँ पे लूट लिया गया था ना, और मैंने आपको कहा था कि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ना अपनी फुटेज डालूंगा। पिछले कई दिनों से बड़े अजीब से खर्चे ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो मतलब सोचे नहीं होते ऐसे खर्चे। तो अभी के लिए क्या है, मेरे पास दो फ़ोन हैं जिनसे मतलब एक फ़ोन है जिससे मैं एडिटिंग करता हूँ, एक फ़ोन एक्स्ट्रा है उसमें उसकी ऑलरेडी स्क्रीन ख़राब है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह चल जाता है, लेकिन एडिटिंग वगैरह उससे नहीं होती है। दूसरा फ़ोन जो है वो भी ख़राब हो गया है आज, और उसका जो कीपैड है नीचे वाला हिस्सा, कीपैड जो है वो नहीं चल रहे हैं, तो एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो ब्लॉग की शुरुआत तो मैं भरे मन से कर रहा हूँ, चलो आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पप्पी गरेवाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी पंगा ये है, ब्लॉग को शुरू तो कर दिया है, एक ब्लॉग ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है वो भी एडिट करने वाला है, ये ब्लॉग भी शुरू कर दिया है ये भी समझो एडिट करने वाला है, लेकिन होगा कैसे ये मुझे नहीं पता। कैथरीन के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड मतलब मुझसे होता नहीं है उसमें से एडिट, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, सारा कुछ है लेकिन हो नहीं पाता। तो कुछ मुझे मेरे वाला फ़ोन या ठीक करवाना पड़ेगा या एक नए फ़ोन का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखते हैं यार, ये है एक नई खबर। तो अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये बॉक्स भी दिखाया था, और ये काफ़ी काम आया है अभी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, मतलब फिर भी जो 3-4 ऑर्डर होते हैं ईज़िली मतलब आप जा पाते हो, तो ये काफ़ी काम आ रहा है। तो अभी यहाँ पे भी जो इलेक्शन का माहौल है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है। वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो पार्टी का प्रचार टाइप कुछ है ना, बैनर्स वगैरह लगाना, और जैसे हमारे भी वहाँ पे शर्तें वगैरह जैसे बताते हैं ना, ये होगा आपके लिए अच्छी चीज़ें होंगी या ये सारा कुछ, तो वो यहाँ पे भी हो रहा है। और यहाँ के जितने भी बरंगाई कोर्ट होते हैं तो वहाँ पे ना अभी लोग बैठे ही रहते हैं वो बूथ बना के, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर मैं उधर पास से गुजरूंगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो हमारे लोकल है वो दो बूथ हैं, दोनों पे लोग बैठे ही रहते हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है, ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन माहौल मतलब चेंज हो रहा है। तो वो इलेक्शन वाला माहौल, वो बैनर वगैरह लगना, ये हमारे सामने भी बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं, दिखाऊंगा मैं आपको जब बाहर निकलूंगा। चलो तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा स्टोर पे, क्योंकि सुबह से स्टोर ओपन नहीं किया है और तकरीबन 11:30 का टाइम है अभी, तो अभी चल के स्टोर ओपन कर लेते हैं। ये पिछले टाइम से पता नहीं क्या यहाँ पे चल रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ ये नए नए खड्डे जो है ना खोदते रहते हैं, कभी कोई तार डालने लग जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है, पता नहीं एक बारी में क्यों ही सारा कुछ डाल देते। तो यार मेरी है ना, एक तुम लोगों ने एक पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें वो मैंने दिखाया था कि अपने एक इंडियन को यहाँ पे लूट लिया गया था ना, और मैंने आपको कहा था कि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ना अपनी फुटेज डालूंगा, और वो पीछे वाले कैमरे की और आगे वाले कैमरे की। वो हुआ क्या था, मैंने डाली क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि जो पीछे वाला कैमरा है ना ये बिल्कुल पास में ही है, दिखाई देता हूँ। वो सामने वाला गेट देख रहे हो, या ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है ऊपर की साइड में, तो सीन क्या था कि वो कैमरा ना जो उन्होंने लगा रखा है वो इतना ज़्यादा गंदी क्वालिटी वाला कैमरा था ना, जब मैं वहाँ पे गया तो वो जो भी उन्होंने वीडियो स्टार्ट ही की, पूरे दिन का वो फुटेज होता है ना, तो राइट टाइम तो मुझे पता नहीं था, तो जब भी उन्होंने कुछ इतना गंदा कैमरा, मैंने कहा इसमें दिख क्या रहा है यार, इतनी गंदी क्वालिटी वाला कैमरा था और इतने दिन में एक अंधेरा अंधेरा था मतलब, तो मैंने कहा कि रहने दो, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है देखने का, क्योंकि कुछ दिख तो रहा नहीं अच्छे से। तो फिर जो एक वो फ्रंट वाला कैमरा वो लोग बोल रहे थे कि आगे जाके एक है, तो मैंने उससे जाके भी ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया था कि कैमरा जो था उस दिन वाले दिन बंद था, तो उन्होंने कह दिया कि कैमरा बंद था, जिसलिए मतलब अफकोर्स फिर वहाँ से भी फुटेज नहीं मिली, इसलिए मैंने वो नेक्स्ट वीडियो में नहीं डाली, क्योंकि फुटेज मिली नहीं, उनका कैमरा बंद था, और ये तो मतलब पूछो ही मत, इतनी गंदी क्वालिटी वाला कैमरा था, और ये जो वाला कैमरा था ये
साइड एंगल था उस वीडियो में मैंने डाला था, वो साइड एंगल से मतलब कुछ खास दिख नहीं रहा था, तो ये थी प्रॉब्लम, इसलिए वो फुटेज मैंने नहीं डाली क्योंकि मिली नहीं मेरे को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज है कैथरीन का डे ऑफ, तो कैथरीन का आज प्लान है परांठे बनाने का, इसलिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। और पुरानी वीडियो में तुम लोगों को मैंने बताया था कि अपना, तो ये है मेरी इंटरनेट की वायर जो मैंने डाली है नई। वायर डालते टाइम एक तो यहाँ की छतें जो है ना ऐसे होती हैं, वो अपने इंडिया जैसी नहीं, स्ट्रेट नहीं होती ना, तो मैं गिरते गिरते बचा, नहीं तो मेरा हाथ पैर टूट जाना था, बच गया। चलो अभी हम मार्केट में चलते हैं यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो यार आज हुआ क्या, मैं आज कैथरीन का डे ऑफ था तो कुछ कैथरीन के काम थे जो हमें कुछ सामान लेने के लिए जाना था किसी मार्केट से, मतलब किसी अलग साइड में आज हम गए थे। लेकिन हुआ क्या कि जाते टाइम मुझे लगा कि मैंने कैमरा जो है वो उठा लिया है, मतलब अपने बैग में डाल लिया है, लेकिन कैमरा मेरे साथ नहीं था, जिसलिए मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया आज, नहीं तो एक अच्छा ब्लॉग बन सकता था, तो वो रह गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया उन लोगों ने स्टोरीज देखी होंगी, तो यार थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी बहुत मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो अभी के लिए ना हमने ऑर्डर किया था क्या उसे बोलते हैं, कपड़े धोने वाला सर्फ होता है ना, तो हमने किसी से ऑर्डर किया था 60 किलो, तो वो है ना उन्होंने डिलीवरी देने घर आना था, लेकिन वो घर नहीं आ पाए, बोले कि आप ये हमारे पास की एक मार्केट है तो वहाँ से आप कलेक्ट करके ले जाना, तो मैं अभी वहाँ के लिए ही जा रहा था। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मार्केट दिखाता हूँ, भाई मार्केट जो जो है ना फील है वो पहले जैसा हो चुका है, मतलब जैसे कोरोना से पहले होता था ना, बिल्कुल उसी तरह से मार्केट अभी लगना स्टार्ट हो गई है पिछले कई दिनों से, नहीं तो ये मार्केट को भी परमिशन नहीं थी, मतलब इस तरह से नहीं भरती थी मार्केट, लेकिन अभी ये जितनी दूर तक देखोगे उतनी दूर तक लगी हुई है ये मार्केट, तो पहले नहीं लगती थी, तो मतलब अच्छी फीलिंग आना स्टार्ट हो गई है कि चलो पहले जैसा माहौल जो है वो शुरू हो गया है, तो कोरोना का तो पता नहीं जाएगा या नहीं, लेकिन माहौल जो है वो पहले जैसा हो गया, तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का माहौल, मतलब जो दुकानें वुकानें पहले जैसी हो गई हैं ना, लोगों का रोज़गार चल रहा है, चलो अच्छी बात है। तो बाकी मैं जो इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर दूँगा, क्योंकि इस ब्लॉग को ख़त्म नहीं करूँगा तो नया ब्लॉग शुरू नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। तो आप लोगों को भूलना नहीं है लाइक करना है, और जो अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहा है कोई बंदा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी देखना, आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग गई तो चलो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं अपना सर्फ यहाँ से कलेक्ट करूँगा और मैं निकल लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।